लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 देखे थे। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 देखे थे और लेक्चर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टोटल 12 पॉइंट को हम लोगों ने चर्चा किया था। चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 चालू करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम लोग 12 पॉइंट से आगे जो जो एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट है उस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए वो हमारा आता है, अगला जो हमारा पॉइंट का नाम है, अगला जो हमारा पॉइंट का नाम है वो है हमारा क्या कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ कंप्यूटर, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा कि जब हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को हम लोग चालू कर रहे हैं, तो चालू करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन आता है। ऑप्शन जैसे आता है, एक रहता है कभी कभार नॉर्मल मोड, कभी कभार रहता है सेफ मोड। तो ये अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के अंदर मोड होते हैं, लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर चालू करते हैं तो चालू करने के बाद कंप्यूटर अपने आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप कंप्यूटर हमेशा किस मोड में चालू होता है, किस मोड में। तो यही कहना है कि बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप स्टार्ट मोड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का स्टार्ट होने का, अपने आप स्टार्ट होने का कौन सा मोड है, नॉर्मल मोड। जब हम लोग कंप्यूटर का सारा सिस्टम का स्विच दबाएंगे, स्विच दबाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगा, स्क्रीन ऑन होने के बाद स्क्रीन पे ये 2-3 ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप सेफ मोड पे क्लिक कीजिएगा तो सेफ मोड में चालू होगा, लॉन्च मोड में क्लिक कीजिएगा तो लॉन्च मोड में चालू होगा, अगर आप कुछ भी नहीं क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक किस मोड में चालू होगा। तो वही बोलता है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, आंसर ऐसा कंप्यूटर अपने आप किस मोड में चालू होगा जी, नॉर्मल। क्या पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया? चलिए दूसरा पे हम लोग बात करते हैं, आपका कीमती समय ना लेकर के दूसरा पॉइंट पे चर्चा करेंगे। एग्जाम में कभी कभी सवाल आता है कि मॉडेम का पूरा नाम बताइए। किसका नाम? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन। क्या नाम होता है? एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एग्जाम में कभी कभी सवाल आएगा मॉडेम का पूरा नाम बताइए, तो हो जाएगा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, या इसी का एक और नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या आप लोगों से हो पाएगा? आगे बताइए। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या बताए? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। या इसी का एक और नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कोई पूछेगा सर ये मॉडेम होता क्या है? तो बाबू देखिए ये मॉडेम क्या होता है, अगर आप मॉडेम के बारे में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वैसे तो हम क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। देखिए हम लोग देखते हैं मॉडेम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मॉडेम ये जो आपको नजर आ रहा है, यहां जो आपको ये सारे जो नजर आ रहे हैं, यह एक प्रकार का क्या है बाबू? मॉडेम। आप देख सकते हैं क्लासेस में भी कॉर्नर में लगा हुआ है। yes, sir. हाँ, यानी मेरे yes, sir. तो यह एक प्रकार का मॉडेम है,
यह एक प्रकार का मॉडेम है। पहले मॉडेम इस प्रकार में भी आया करता था, छोटे छोटे डिवाइसेस में भी आया करता था, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से भी मॉडेम आ रहा है मार्केट में। अभी इसको हम लोग राउटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राउटर। क्या बोलते हैं? राउटर। अब ये जो मॉडेम है, इस मॉडेम का काम है, इस मॉडेम का काम है इंटरनेट को प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? इंटरनेट को। क्या प्रोवाइड करना? इंटरनेट को। अभी आप देखिए इसमें इंटरनेट चल रहा है जी। यस सर। किसके मदद से चल रहा है? मॉडेम यानी राउटर से चल रहा है। यस सर। हाँ यानी बोलिए। यस सर। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या मॉड्यूलेटर है? डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक प्रकार का डिवाइस है मेरे भाई। यस सर। जो इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। यस सर। इंटरनेट को देने का काम करता है। यस सर। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। हाँ यानी बोलिए मेरे बाबू। यस सर। तो चलिए वही लिखा है, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन है डीमॉड्यूलेशन। और ये हम लोगों को प्रोवाइड्स करता है, ये हम लोगों को देता है। क्या देता है? क्या देता है मेरे भाई? इसका काम होता है प्रोवाइड्स करना। क्या प्रोवाइड करना? क्या दो पॉइंट समझ में आया? दो पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, BCR का पूरा नाम बताइए। BCR का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम होता है बारकोड रीडर। BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर। रीडर को रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। बारकोड रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या हमने कहा समझ में आया? यानी इसका पूरा नाम बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। क्या बोले समझ में आया? अब ये बार कोड रीडर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं अभी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का BCR। BCR क्या होता है ध्यान से देखिएगा बाबू। आपके सामने यहाँ पे BCR का इमेज आएगा। BCR का इमेज आएगा और BCR क्या होता है कंप्यूटर में, क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को एक कोड दिया गया है, एक यहाँ पे कोड दिया गया है। और इस कोड का जो नाम है, इस कोड का नाम है बारकोड। नाम क्या है बाबू? बारकोड। इस तरह का कोड जहां भी नजर आए, चाहे वह कॉपी में नजर आए, चाहे वह पेन में नजर आए, आप देखते इस पेन में भी पीछे इस प्रकार से कोड है। क्या ये पेन में इस प्रकार से कोड नजर आ रहा है? Yes, sir. ये पेन में भी कौन सा कोड लगा हुआ है? Barcode. आप अपने कॉपी में भी देखिएगा क्या लगा रहेगा? Barcode. अनेक तरह का सामान में कपड़ा खरीदने जाइए तो उसमें वो कैप्चर लगा रहता है। Yes, वो कैप्चर में भी कौन सा कोड मिलेगा? Barcode. कौन सा कोड? Barcode. तो ये बारकोड कहलाता है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखे हुए चीज को ये मशीन रीड करता है। रीड यानी क्या करता है बाबू? पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो ये मशीन कौन सा कोड को पढ़ता है? बारकोड। कौन सा कोड को? बारकोड। इसलिए इस मशीन का पूरा नाम हो जाता है बारकोड रीडर। यानी बारकोड को पढ़ने वाला मशीन। बारकोड को पढ़ने वाला मशीन। बारकोड को पढ़ने वाला मशीन। उसी को कौन सा मशीन बोलते हैं? बारकोड रीडर। आप लोग को समझ में आया? BCR का पूरा नाम क्या बताया? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर या बारकोड रिकॉग्निशन भी बोलेंगे इसको। अब ये कौन सा कोड को पढ़ता है? बारकोड। कौन सा कोड को? बारकोड। बाबू आप लोग मॉल गए? मॉल? यस सर। मॉल में अगर कोई कपड़ा वगैरह खरीदिएगा, सामान वगैरह खरीदिएगा, तो एक्चुअल में जब सामान को लेकर के काउंटर पे आप बिल कटवाने आते हैं,
सामान को लेकर के काउंटर पे बिल कटवाने आते हैं तो देखिएगा कि जो काउंटर पे बिल काटने वाला लड़का बैठा हो, लड़की बैठी हो, उसको एक्चुअल में सामान का प्राइस मालूम होता नहीं है। उतना उतना सामान का प्राइस उसको मालूम होता नहीं है। वो क्या करता है कि उसके हाथ में कौन सा मशीन रहता है, कौन सा मशीन आपके सामान को उठाता है और उसमें बारकोड लगा रहता है और अपने मशीन को उठा करके बस स्कैन करता है। क्या करता है? स्कैन। अब आपका जो सामान का दाम है वो अपने आप किसमें चलाता है? बारकोड। किसमें चलाता है? और ये मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है तो आपका सामान का प्राइस ऑटोमेटिक कहां दिख जाता है? तो ले देके इस मशीन का ज्यादातर प्रयोग मॉल वगैरह में किया जाता है। क्या बोले, समझ में आया? वीसीआर मशीन का ज्यादातर प्रयोग कहां होता है? मॉल में। वीसीआर मशीन का ज्यादातर प्रयोग कहां होता है? मॉल में। क्या बोले, समझ में आया? और मॉल में ज्यादातर ज्यादातर प्रयोग इसका क्या पढ़ने में? प्राइस। क्या पढ़ने में? प्राइस। क्या पढ़ने में? प्राइस। समझ में आया? पीसीआर एक मशीन है जो बारकोड को पढ़ता है। ज्यादातर ये मॉल में यूज होता है और खास तौर पे ये सामान के प्राइस को रीड करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वीसीआर का पूरा नाम बारकोड रीडर और इसका काम होता है रीड द प्राइस ऑफ थिंग्स यानी मेरे भाई वस्तु, यानी ये वस्तु के प्राइस को क्या करता है? रीड करता है, पढ़ता है। समझ में आया? अगले मशीन की ओर बढ़ते हैं और इस मशीन का नाम है MICR। पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या बोल सकते हैं बाबू? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर है? आया नहीं? बोलिए। अब ये मशीन कहां प्रयोग होता है, ध्यान से सुनो। आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा सामान लेने पे एगो, अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है तो आप कार्ड को स्वैप करके भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। स्वैपर मशीन देखे, स्वैपर मशीन एक प्रकार का कौन सा मशीन है? चलिए हम लोग इसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं कि कौन सा मशीन को MICR मशीन बोलते हैं और MICR मशीन होता कैसा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नाम है हमारा MICR। इमेज में आइए देखिए MICR मशीन ये होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप सबसे पहले इधर देख लो बाबू, अगर आप लोग देखे होंगे बैंक में, अगर आपको कभी चेक से पाला पड़ा, बैंक का चेक देखे, चेक देखिए, बैंक का ये चेक है मेरे भाई, बैंक का ये जो चेक है, बैंक का यहाँ पे चेक आपको नजर आएगा और इस चेक के अंदर देखिए वो कोड लिखा रहता है, वो कोड रहता है MICR कोड। कौन सा कोड रहता है? MICR कोड। यहाँ भी देखिए कौन सा कोड है? MICR कोड। यहाँ भी कौन सा कोड है? MICR कोड। जितना भी आपको बैंक का चेक मिलेगा सबके नीचे में जितना भी बैंक का चेक मिलेगा सबके नीचे में कौन सा कोड नजर आएगा? MICR कोड। ये MICR कोड सही है या गलत, इसको चेक कौन सा करता है? MICR मशीन। हो सकता है कोई MICR कोड अपने से क्रिएट किया हो और चेक बना दिया हो। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई आदमी अपने से MICR कोड बना के और चेक बना दिया हो और प्रिंट करके चल गया हो चेक पे भजाने के लिए, वहां तो फंस जाएगा ना जी। तो MICR कोड रियल है या फॉल्स? ये जो MICR कोड है ये रियल है या फॉल्स,
ये सही है या गलत, इसको वेरीफाई करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। MICR कोड रियल है या फॉल्स, इसको वेरीफाई करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, और इस मशीन का नाम है MICR। इसमें चेक को डाला गया, और चेक का देखिए MICR नंबर नीचे, ऊपर नहीं है, नीचे देख रहे हैं क्या? अब ये चेक इसके अंदर गया, अब ये मशीन चेक करके बता देगा कि MICR नंबर सही है या गलत। अगर आप खुद से क्रिएट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ये चेक बाउंस हो जाएगा, गलत माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। मतलब ले देके चेक नंबर को पढ़ने के लिए, चेक नंबर को पढ़ने के लिए, चेक नंबर को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? MICR। आपके ATM कार्ड में भी एक नंबर रहता है? Yes, sir। अरे वहां पे देखिए स्लॉट ज्यादा लगा रहता है। Yes, sir। ATM कार्ड में भी नंबर लगा रहता है, आप ATM कार्ड को भी इसमें डाल के स्वैप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्वैप। तो ATM कार्ड का जो नंबर है वो ये मशीन क्या कर लेता है? ATM कार्ड या आपका डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड को पकड़ के स्वैप कीजिए, खींचिएगा तो उसके ब्लैक ब्लैक कितना निकाले, ब्लैक ब्लैक देखिएगा, एक लेयर लगा रहेगा उसके अंदर, उसमें कुछ नंबर रहते हैं, आप जैसे खींचिएगा तो वो नंबर को ये मशीन रीड कर लेता है, उसके बाद आगे तुमको पैसा कितना भेजना है, क्या करना है, वो आप काम कर सकते हैं। मतलब ये मशीन जो है चेक नंबर को पढ़ता है, डेबिट कार्ड वगैरह नंबर को पढ़ता है। क्या बोले, समझ में आया? तो ये जो आपका मशीन है इसको रसोई में यूज किया जाता होगा, ज्यादातर बैंक में ही प्रयोग होगा ना भाई, बैंक में बड़े बड़े दुकानों में भी प्रयोग हो सकता है। क्या बोले, समझ में आया? तो बताइए MICR का पूरा नाम जी, कौन सा नंबर को जी? चेक एंड कार्ड नंबर, चेक एंड कार्ड नंबर और कार्ड नंबर को रीड करने का काम कौन करता है? MICR। क्या आप लोगों को समझ में आया? आया नहीं मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जॉयस्टिक। नाम क्या है बाबू? जॉयस्टिक। नाम क्या है? जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक प्रकार का पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह को पॉइंट करता है, दिशा दिखाता है। जैसे आप लोग अगर मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कोई बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है कंप्यूटर में, तो उसके हाथ में पॉइंटर रहता है, देखे ऐसा क्या? और वो पॉइंटर नहीं बल्कि वो क्या रहता है, एक प्रकार का क्या रहता है? जॉयस्टिक। अब वो गेम में किधर क्या करना है वो सारा का सारा किससे कंट्रोल करता है? तो पहला जॉयस्टिक का प्रयोग होता है क्या, किसके अंदर गेम खेलना? कंप्यूटर के अंदर गेमिंग के लिए, किसका प्रयोग होगा? जॉयस्टिक। यानी कंप्यूटर के अंदर गेम खेलना किसका प्रयोग होगा? जॉयस्टिक। दूसरा आपका ड्रोन कैमरा देखे हैं क्या? ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए भी किसका प्रयोग होता है भैया? किसका प्रयोग होता है? आप लोग देखते होंगे ऊपर में ड्रोन कैमरा उड़ा रहा है, आपस में हाथ में पॉइंटर रखता है, जिधर मूव करेगा उधर मूव करेगा मेरे पास, बल्कि वो पॉइंटर नहीं, क्या रहता है? क्या रहता है? तो दूसरा आपका जॉयस्टिक क्या करने के लिए प्रयोग? मूवी वगैरह में देखे होंगे फ्लाइट जहाज वगैरह देखे हैं? Yes, sir। जहाज वगैरह उड़ाने के लिए भी दो पॉइंटर रहता है। Yes, sir। यानी जहाज में हैंडल गोल नहीं रहता है भाई। Yes, sir। उसमें पॉइंटर रहता है जिसको किस नाम से जानते हैं? जॉयस्टिक। यानी अगर फ्लाइट कंट्रोलिंग के लिए भी किसका प्रयोग होता है मेरे भाई? जॉयस्टिक। किसका प्रयोग? जॉयस्टिक। किस
किसका प्रयोग? थ्रस्ट डे का। आप लोग पोकलेन देखे हैं? पोकलेन, यस सर। हाथ से पकड़ के जो दो लीवर चलाता है, यस सर। तो हाथ से पकड़ के जो लीवर चलाता है यानी हैंड हेल्ड लीवर, यानी हाथ से पकड़ के कंट्रोल करने वाला लीवर को, लीवर का काम किससे किया जाता है? थ्रस्ट डे। मतलब ले देखिए अगर बस वगैरह में जो गियर वाला लीवर रहता है वह भी लीवर एक प्रकार का क्या है? थ्रस्ट डे। एग्जाम में सवाल आता है, बताइए कंप्यूटर गेमिंग के लिए किसका प्रयोग? थ्रस्ट डे। ड्रोन कैमरा के लिए किसका प्रयोग? थ्रस्ट डे। लाइट कंट्रोलिंग के लिए किसका प्रयोग? थ्रस्ट डे। चलिए देख लेते हैं जॉयस्टिक कैसा होता है। वैसे तो जॉयस्टिक के बारे में बता दिए हैं, गौर से देखिए जॉयस्टिक कैसा होता है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में, JOYST जॉयस्टिक। देखिए इस प्रकार का ये जॉयस्टिक का इमेज है, हमको उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ऐसा देखे होंगे। yes, देखिए यही ये पॉइंटर है मेरे भाई। yes, sir. ये सारे बटन है, इस बटन के मदद से डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। yes, sir. देखिए ऑनलाइन गेमिंग खेले में इसका प्रयोग होता है मेरे भाई। yes, sir. यहाँ से तार निकला हुआ है। yes, sir. चाहे तो इसको कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस भी आता है। क्या बोले, समझ में आया? yes, के गाड़ी का लीवर ऐसा ही होता है। yes, अरे गियर जिसको कहते हैं आप। yes, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? जॉयस्टिक। और इन सब का काम होता है पॉइंट करना। क्या करना? पॉइंट करना। पॉइंट यानी दिशा दिखाना। yes, समझ में आया? yes, आया नहीं बोलिए। yes, आगे बात करते हैं बाबू, अगला डिवाइस। क्या आप लोगों को जॉयस्टिक समझ में आया? जॉयस्टिक समझ में आया। अगला बात करते हैं प्रिंटर। जेरोक्स मशीन का नाम सुना है? yes, जेरोक्स मशीन का नाम सुना है? yes, तो जेरोक्स मशीन को ही क्या कहते हैं? प्रिंटर। क्या कहते हैं? प्रिंटर। क्या करते हैं? प्रिंटर। क्या कहते हैं? प्रिंटर। और प्रिंटर जनरली मार्केट में आता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एग्जाम में सवाल आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का कितना प्रकार? दो। कितना प्रकार? दो। दो प्रकार। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। आया नहीं बोलिए? यस सर। अगला ध्यान से देखिए, तो प्रिंटर दो प्रकार का, जिसमें पहला प्रिंटर का नाम, पहला प्रिंटर का नाम, पहला प्रिंटर का नाम और दूसरा प्रिंटर का नाम, दूसरा प्रिंटर का नाम, दूसरा प्रिंटर का नाम। तो मार्केट में प्रिंटर कितना प्रकार का? एक इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। एक इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल क्या है मेरे भाई? लाइन प्रिंटर। दूसरा डॉट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डॉट प्रिंटर भी कहते हैं इसको। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आता है बॉल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर मेरे पास? बॉल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर मेरे पास? बॉल प्रिंटर। और बहुत सारे प्रिंटर हो सकते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर का पहला एग्जांपल क्या है? लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बॉल प्रिंटर और एडहेसिव भी आता है। ये सारे आपका एडहेसिव भी प्रिंटर किसका एग्जांपल है? एग्जाम में सवाल आएगा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इंपैक्ट प्रिंटर। बोलो ना भाई, इंपैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इंपैक्ट प्रिंटर। बॉल प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इंपैक्ट प्रिंटर। बना लोगे? यस सर। उसी तरीके से नॉन प्रिंटर का भी कुछ एग्जांपल है, जैसे लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। जैसे इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर। जैसे थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। और भी होते हैं थर्मल प्रिंटर, सब्लिमेशन प्रिंटर। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है मेरे भाई? नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर है मेरे भाई? यस सर। हो पाएगा आप लोगों से? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की और आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला पॉइंट का नाम है हमारा सीपीयू। नाम क्या है बाबू? सीपीयू। नाम क्या है जी? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम मालूम आप लोग? प्रोसेसिंग यूनिट। सेम
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सीपीयू का पूरा नाम क्या बताइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर के अंदर जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, जितना भी कंप्यूटर के अंदर फंक्शनरी काम होता है, वो सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं? मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना फंक्शनरी काम होगा, कंप्यूटर के अंदर जितना फंक्शनरी काम होगा, वो सारे के सारे कौन करता है? सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन यानी दिमाग, ब्रेन यानी दिमाग, ब्रेन भी कहा जाता है किसका मेरे भाई? कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है किसको मेरे भाई? सीपीयू। क्योंकि सारे काम सीपीयू के द्वारा ही होते हैं मेरे भाई। yes, सारे काम सीपीयू के द्वारा होता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोले, बात समझ में आया? yes, सबसे पहले बताइए कंप्यूटर का डिफॉल्ट मोड क्या है? नॉर्मल मोड है मेरे भाई। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर है। क्या इंटरनेट प्रोवाइड करता है? पीसीआर का पूरा नाम बार कोड। क्या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन? प्राइस को रीड करता है। एमआईसीआर का पूरा नाम रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। चेक नंबर या कार्ड नंबर को रीड करेगा। जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज होता है। ड्रोन उड़ाने में, फ्लाइट कंट्रोलिंग में, लीवर वगैरह के लिए। प्रिंटर दो प्रकार का, इंपैक्ट और इंपैक्ट का एग्जांपल क्लियर है? अन इंपैक्ट का एग्जांपल क्लियर है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग। सारा काम इसी के द्वारा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या आज का क्लास आपको समझ में आया? लेक्चर नंबर टू क्लियर है? इतना याद कर लोगे? yes, आप लेक्चर नंबर वन खत्म कर चुके हैं और लेक्चर नंबर वन का क्लासेस में टेस्ट हो चुका है। yes, जो बच्चे यहाँ नहीं है, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, उनका टेस्ट लेक्चर नंबर वन में जो टेस्ट हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर दिखाया जाएगा अभी जस्ट। आगे आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर वन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ें। अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले लेक्चर नंबर 1 का आज क्लासेस में टेस्ट लिया गया है। लेक्चर नंबर 1 जो कल पढ़ाए थे, उसी का आज क्लासेस में टेस्ट लिया गया है और ये टेस्ट के क्वेश्चन है। तो मेरे सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस वाले के पास तो टेस्ट का पेपर है। हम चाहते हैं आप लोगों को भी ये टेस्ट का क्वेश्चन दिखाया जाए और इसका आंसर बताया जाए। तो वैसे जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया गया, उसी से ये टेस्ट लिया गया है और उसी का ये क्वेश्चन है। टोटल हमारा इसमें 20 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है हमारा। अब 20 क्वेश्चन में सिर्फ हम डायरेक्ट सबका आंसर बताते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, सबका डायरेक्ट आंसर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड। रो फैक्ट एंड फिगर किसे कहा जाता है? तो हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए थे किसको कहा जाता है? डाटा को। यानी इसका आंसर बी होगा। हम सिर्फ जल्दबाजी में आंसर बता रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 में सारा चीज को हम पढ़ा चुके हैं। आगे बात करते हैं, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, माइक्रोफोन, माउस या कीबोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट किसको कहते हैं? तो हम आपको पढ़ाए थे हार्डवेयर को कहते हैं। इसके आगे, द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर वाले बार को क्या कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था टाइटल बार कहा जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन ऐसा है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है,
मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू ना तो इनपुट डिवाइस है ना तो आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, अगला कहता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉलेज, यानी कंप्यूटर के ब्रेन को और क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू के नाम से जाना जाता है, या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इससे आगे, मेरे भाई इससे आगे ध्यान दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है, सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि Who is known as fathers of modern computer? यानी modern computer का father किसे कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था Charles Babbage को कहा जाता है। आगे in an electronic device, n होगा इस क्वेश्चन में, an electronic device operating under the control of information that can accept data, जो data को accept करता है, process करता है, answer देता है। मैंने कौन सा डिवाइस काम लेता है, सॉल्व करता और देता है, तो काम लेना, सॉल्व करना और काम देना, ये सारा का सारा होता है किसका भैया, कंप्यूटर का काम होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, एमएक्स प्लेयर इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे माइक, बोलने वाला जो माइक है वो किसका एग्जांपल है, तो बोलने वाला माइक को हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस है। ये सारे क्लासेस में पढ़ाया गया है और इसका टेस्ट आज लिया गया है, हम सिर्फ आपको आंसर सीट बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम ग्रुप में भेज चुके हैं। आगे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज किसका फीचर्स है, कंप्यूटर के अंदर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज किसका फीचर्स है, ये आपका कंट्रोल पैनल का फीचर्स है। आगे हु कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन कौन डिस्प्ले कराता है, तो वो मॉनिटर भी करा सकता है और स्क्रीन भी करा सकता है, तो ये दोनों करा सकता है, इसलिए इसका जो रियल आंसर है वो बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इसका रियल आंसर होगा, तो ध्यान दीजिएगा ए एंड बी इसका रियल आंसर होगा। आगे हम लोग अगर बात करें, तो आगे यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, आगे है हमारा आंसर के रूप में द शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश, सॉरी मॉनिटर इज ऑल्सो नॉलेज, मॉनिटर का एक और नाम क्या है, तो मॉनिटर का एलसीडी भी कह सकते हैं, एलईडी भी कह सकते हैं, वीडियो भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ऑल ऑफ दिस बोलेंगे, यानी इसका रियल आंसर ऑल ऑफ दिस है। आगे द शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश, रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या होता है, तो रिफ्रेश का शॉर्टकट की होता है F5, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं। द फंक्शन की R, तो फंक्शन की कौन है, तो F1 भी है, F6 भी है, F9 भी है, इसका भी रियल आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कहता है द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ एनी कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड में चालू होता है, तभी जस्ट पढ़ाए कौन सा मोड में चालू होता है, नॉर्मल मोड में चालू होता है। फिर बताए कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इज, मतलब कंप्यूटर को ग्रीक वर्ड में कौन सा शब्द से लिया गया है, तो उसको कंप्यूट शब्द से लग गया, कंप्यूट, यानी इसका आंसर ए होगा। आगे नंबर, लेटर, सिंबल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सबको क्या कहा जाता है, ये सबको डाटा कहा जाता है, और रो फैक्ट, डाटा और रो फैक्ट दोनों बोलेंगे तो इसका रियल आंसर होगा सी, मतलब बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इसका रियल आंसर होगा। बाबू इसको हम पढ़ा चुके थे पिछला क्लास में। और कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग रिप्रेजेंट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस,
जिससे इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है। इसका रियल आंसर होगा ईयरफोन, क्योंकि ईयरफोन से हम लोग साउंड को सुन भी सकते हैं और उसमें माइक भी रहता है, माइक से बोल भी सकते हैं। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाएगा आपका ईयरफोन। ये टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने टोटल आंसर देख लिया। ये था आज का टेस्ट का क्वेश्चन। आगे जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसको आपको आंसर के रूप में इसी तरह बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ लेक्चर नंबर 1 खत्म हुआ जिसका टेस्ट हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़े हैं, कल 3 पढ़ेंगे और 2 और 3 का दोनों का टेस्ट होगा और आपको फिर इसी तरीके से क्वेश्चन भेजा जाएगा और आपको आंसर भी इसी तरीके से बताया जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, नीचे नोटिस है, नीचे नोटिस में बताया गया है आपको, नोटिस में क्लास 12th का हमारे यहाँ एडमिशन चालू है, एडमिशन ओपन फॉर क्लास 12th। अभी हालांकि 11 जरूर पढ़ा रहे हैं, 11 का क्रैश कोर्स जरूर करा रहे हैं, लेकिन क्लास 12th का एडमिशन चालू है और टोटल फी क्लास एडमिशन के लिए ₹3200 है, लेकिन इसको अगर आप वन टाइम देते हैं तो वन टाइम देने पे ये फी आपको पड़ता है ₹2700। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट आकर के यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में कल और उसके बाद लेक्चर 2 और 3 का टेस्ट में फिर आपको आंसर के रूप में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।